नपुंसकत्व का मानसिक कनेक्शन, इसके बारे में आज मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी एक व्यक्ति मेरे पास में आया था, वैसे तो बहुत पेशेंट आते हैं मगर अभी रिसेंटली जो आया था, उसका कहना ये था कि उसे लिंग में कठोरता आती है, लिंग में इरेक्शन फुल आता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब फोर प्ले करता है तो बहुत अच्छी कठोरता आती है, और बाद में जब इंसर्शन का टाइम आता है तो उस समय एकदम उसके दिमाग में आता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या इरेक्शन निकल जाएगा, क्या कैसा होगा, ऐसा एकदम खटाक से उसको विचार आ जाता है। और जैसे उसको विचार आता है कि इरेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, लूज होगा क्या, कर पाऊंगा क्या, ऐसा विचार इरेक्शन के समय जैसा आता है वैसा इरेक्शन खटाक से लॉस हो जाता है, लूज हो जाता है। कितना डायरेक्ट कनेक्शन मानसिकता का और इरेक्शन का है आपको इसमें समझ में आएगा। ऐसा बहुत लोगों का होता है। इसको बोलते हैं एक्चुअली परफॉर्मेंस का डर या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, कि भाई मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और यंग लोगों में, नौजवानों में, उम्र के 30, 35, 40, मतलब ये जो एज रेंज है, इसमें जो जो लोगों को नपुंसकत्व आता है, लिंग में कठोरता नहीं है, टाइटनेस नहीं आता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कठोरता आती नहीं है, तो वो लोगों में ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो मानसिक है। उनको स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, फिकर, चिंता, शकेलापन, ऐसे काफ़ी सारे विचार रहते हैं, जिसके वजह से उनको इच्छा भी होती है तभी इरेक्शन आता ही नहीं, क्योंकि इतनी इच्छा प्रबल नहीं होती, इतनी इच्छा पावरफुल नहीं होती है, बहुत सारे विचार और फिर उसमें इरेक्शन नहीं आना। इरेक्शन नहीं आने के जो कारण है उसमें डिप्रेशन, उदासीनता या अवसाद, एंग्जाइटी मतलब चिंता, घबराहट, इसकी बीमारी, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिया, स्ट्रेस, टेंशन्स, रिश्ते में दूरी, आपसे रिश्ते ठीक नहीं होना, प्राइवेसी नहीं मिलना, एक बार फेल हो गया अब दूसरी बार मैं नहीं कर सकूंगा, इसकी चिंता, और उससे दूसरी बार फेल हो जाना और बाद में फिर उसमें चक्रव्यूह में अटक जाना, ऐसे काफ़ी सारी कारण्स इसमें होते रहते हैं। अब इसका ये इलाज क्या है? इसका इलाज एक तो यह है कि भाई ये लोग प्लेसेबो से भी अच्छे हो जाते हैं, और प्लेसेबो मतलब हम उनको ऐसी दवाई देते हैं कि एक्चुअली उसमें दवाई रहती नहीं है, वो सादी एक गोली रहती है, बहुत महंगी मतलब गोली रहती है जिसमें एंटासिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसी दवाइयाँ हैं, और वो लेते हैं तो उनको लगता है कि अभी मैंने बहुत पावरफुल 25, 30, 40 रुपये की गोली ली, अभी मैं कर पाऊँगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वो होता है। या फिर उनको हम PDE5 इनहिबिटर्स मतलब सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल ऐसी दवाइयाँ देते हैं तो उससे भी उनको इरेक्शन अच्छा आ जाता है, और उनको लगता है कि अभी मैंने दवाई लिया तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वो उससे भी उनको अच्छा लगता है। या फिर उनको हम बोलते हैं कि भाई अभी ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन करो, मतलब जो डर है उसको ग्रेजुअली डिसेंसिटाइज करो, या सेंसेट फोकस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें काउंसिलिंग होता है, और काउंसिलिंग से उनको धीरे 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 अप्रोच करने के लिए बोलते हैं। कुछ दिन पहले फोर प्ले करो, फिर बाद में इंसर्शन करने की कोशिश करो, ऐसा वो सेंसेट फोकस का पूरा टेक्निक है वो उनको सिखाते हैं। उनको ये बताते हैं कि भाई दोनों ने एक दूसरे को समझना है, कॉन्फिडेंस में लेना है, छुपाने का नहीं है, क्योंकि यदि आदमी छुपाता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बराबर हूँ, फिर कर क्यों नहीं रहा, तो बोलता कि आज मेरा सर दर्द कर रहा है, आज मैं थक गया हूँ, ऐसा कुछ तो कुछ कारण बोलते रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम आता है। तो सेंसेट फोकस टेक्निक है, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक, ऐसे अलग अलग साइकोथेरेपी काउंसिलिंग टेक्निक्स है, फिर हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी का सेशन हम उनको देते हैं, और उनको विजुअलाइजेशन टेक्निक करने के लिए बोलते हैं, उससे उनको काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो ये जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है ये बहुत लोगों में है, इसमें एक्चुअली दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, दवाई नहीं लिया तो अच्छा है। एक दूसरे को समझना, रिलेशनशिप अच्छी डेवलप करना, प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं कॉज करना पत्नी ने पति के ऊपर, ये यदि इसका पालन किया तो डेफिनेटली ये बीमारी अच्छी हो सकती है और आपका सेक्स लाइफ अच्छा हो सकता है। ये वीडियो आपको ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को भी काम में आएगा तो सभी जो नौजवान हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, उनको सबको शेयर करो, उनको आज नहीं तो कल कभी भी ये प्रॉब्लम आ सकता है और उनको ये वीडियो काम में आएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करो। हमारे यहाँ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, उसमें आप यदि ज्वाइन होते हैं तो डेफिनेटली आपको हमारे सभी सेक्स वेबिनार के बारे में जानकारी मिलेंगी, हिप्नोटिज्म के वेबिनार्स होते हैं उसकी जानकारी मिलेगी,
काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमारे चालू, उसकी आपको जानकारी मिलते जाएगी और आप हमारे प्रोग्राम में आते रहेंगे। फ्री प्रोग्राम्स होते हैं काफ़ी सारे। थैंक यू वेरी मच।